मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कल हम लोग सेट में टाइप ऑफ सेट पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट्स। तो आइए देखते हैं सबसेट्स। व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है ना? ये सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर हम कहें कि कोई मेरा एक सेट है और उस सेट कोई मेरा एक सेट ए है, सपोज डेट हम मान लेते हैं मेरा एक सेट ए है और ए में मेरा एलिमेंट है ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट है ना। ए में मेरा कितना एलिमेंट है? ए बी सी डी, चार एलिमेंट। अब हम एक अनदर सेट लेते हैं, सेट बी। इसमें मेरा एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, है ना। सेट बी में मेरा कितना एलिमेंट है? सिक्स एलिमेंट है, ए बी सी डी ई एफ, ये छह एलिमेंट। अब हम लोग देख रहे कि सर ए का जो एलिमेंट है, इस सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, क्योंकि इसमें ए है, यहां भी ए है, इसमें बी है, यहां भी बी है, सी के जगह सी है, डी और इसमें भी डी है। इसका मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए जो है वो बी का सबसेट है। और हम लोग क्या लिखते हैं इसको? लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, है ना, ए सबसेट ऑफ बी। हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? तो वी राइट ए सबसेट ऑफ बी, है ना। तो मान लेते हैं, अगर हम लोग कोई अनदर एग्जांपल लेते हैं, सब मान लीजिए कि इस क्लासरूम में आप लोग 20-30 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, बॉयज, और इसमें से पांच जो है क्या है, बहुत बदमाश टाइप का है, है ना। पांचों को तो आप लोग जान ही रहे हैं, और ये पांच क्या है, बदमाश है। तो ये पांचों जो है ये क्या हो गया? सबसेट हो गया। किसका? इस क्लास में, है ना, इस क्लास का सबसेट हो गया। हम लोग बोलेंगे कि भाई हम बदमाश लड़के का लिस्ट बना दे रहे हैं। अच्छा, बदमाश नहीं है, कोई बात नहीं, शैतान बोल देते हैं, शरारती, है ना। तो शरारती लड़के का हम लिस्ट बना देते हैं। तो अगर शरारती लड़के का लिस्ट बनाएंगे तो पांचों का नाम आ जाएगा ना। अच्छा, पांचों को समझ में आ गया, हम ही लोग को बोल रहा है, बहुत अच्छा। तो वो पांच जो है वो इस क्लासरूम से ही है ना। उस पांच को अगर हम अलग कर लें, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये पांचों इस क्लास का है, है ना। और फिर वो पांचों का हम एक अलग ग्रुप बना दिए, इसका मतलब वो इस क्लास का क्या हो गया? सबसेट हो गया। सिंपली हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। मान लेते हैं एक सेट ए है, उसमें मेरा एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, है ना। एक सेट ए है जिसमें मेरा एलिमेंट क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8। अब हम लोग सेट बी लेते हैं और इसमें मेरा नेचुरल नंबर है लेस देन 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है, तो 9 तक जाएंगे, 1 से लेके। अब आप देखिए तो ये जो सेट बी है इसमें सारे नेचुरल नंबर है 1 से 9 तक, और सेट ए में क्या है जी? मेरा इवन नंबर है ना, इवन नंबर है लेस देन 10, और इसमें नेचुरल नंबर है लेस देन 10। अगर हम लोग यहां पे देखें तो इसमें सर 2, 4, 6, 8 आया। अब इस सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है कि नहीं? देखिए तो यहां पे 2 है ए में, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 4 है इसमें भी 4 है, यहाँ पे 6 है इसमें भी 6 है, यहाँ पे 8 है इसमें भी 8 है। इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट कहाँ पे है? बी में है।
तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि सर ए सबसेट है किसका, बी का। चलो देखते हैं, जस्ट एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं एक एन है, सेट एन है। एन मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और हम फिर क्या लिख दिए, एक जेड लिख दिए। क्या लिख दिए, जेड। और जेड क्या है जी, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, है ना। अब हमको पता है कि सर नेचुरल नंबर में क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर में काउंटिंग के सारे नंबर होते हैं। और जेड में क्या होते हैं, सर जेड में काउंटिंग के सारे नंबर होते हैं, साथ में उसके पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इंक्लूडेड जीरो है ना, उसमें जीरो भी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ना कि सर अगर हम लोग जेड की बात करें तो जेड में जो एलिमेंट है ना, उसमें नेचुरल नंबर भी है। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, जेड का, इंटीजर का, एन सबसेट ऑफ जेड। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है जेड का, क्योंकि जेड अगर हम लोग लिखें तो उस जेड में सारे नेचुरल नंबर जो है आते हैं, है ना। तो हम लोग इस तरह भी एग्जांपल ले सकते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल आगे हम लोग को देखने को मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुपर सेट क्या है ना, चलिए हम लोग देखते हैं सुपर सेट। सुपर सेट क्या है, इफ ए सबसेट ऑफ बी, यदि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या समझा, कि ए का सारा एलिमेंट बी में है तब ना सबसेट होता है, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तब हम लोग बी को क्या बोलते हैं जी, ए का सुपर सेट बोलते हैं, है ना। तब हम लोग बी को क्या बोलेंगे, ए का सुपर सेट बोलेंगे। और इसको लिखा कैसे जाता है, तो सबसेट को उल्टा लिख देते हैं ना, रिवर्स कर देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का, है ना। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे इसको, बी जो है वो सुपर सेट है ए का। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग इसका देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक सेट लेते हैं ए, है ना, एक सेट ए लेते हैं और इसमें लिखते हैं कुछ नंबर्स हैं या फिर कुछ लेटर्स हैं ए बी एंड सी। एक अनदर सेट बी लेते हैं जिसमें मेरा लेटर है ए बी सी एंड डी। तो यहाँ एक बात बताइए, तो ए बी का सबसेट है क्या, ए बी का सबसेट है ना, हाँ बहुत अच्छा। चलिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सर ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए सबसेट है बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। और जब ए बी का सबसेट हो जाए, ए का सारा एलिमेंट बी में आ जाए, इसका मतलब बी क्या है, इसका मतलब बी जो है, इसका मतलब बी क्या है, बी जो है वो सुपर सेट है किसका, ए का, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। तो समझ में आ गया होगा सबको कि सर यदि ए बी का सबसेट है, यदि है तब बी क्या है, सुपर सेट है ए का, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, यदि इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड वी राइट ए सबसेट ऑफ ए, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, प्रॉपर सबसेट को कैसे लिखा जाता है, तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। अगर हम लोग प्रॉपर सबसेट को लिखते हैं तो सिर्फ ये सिंबल हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग को सबसेट लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। इस दोनों चीज पे ध्यान रखना है ना, इसके नीचे इक्वल नहीं लगाए हुए ना, डेस नहीं लगाए हुए, इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है।
तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, है ना, क्लियर हो जाएगा अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट ए है और उस सेट में मेरा एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ये एलिमेंट है। एक सेट ए लिए जिसमें मेरा ये एलिमेंट है, और एक सेट बी ले लिए और बी मेरा जो है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए, पहले हमने एक सेट ए लिया, उस सेट में एलिमेंट क्या है 1, 3, 5, 7, 9, और एक सेट दूसरा क्या है बी है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ए जो है, ए सेट का सारा एलिमेंट बी में है या नहीं है? देखिए, 1 ए में है, बी में भी है, 3 ए में है, बी में भी है, 5 ए में है, बी में है, 7 ए में है, बी में है, 9 ए में है, बी में है। इसका मतलब क्या है कि सर ए जो है वो सबसेट हो गया बी का। अभी हम लोग देख रहे हैं ए सबसेट हो गया बी का। अगर ए सबसेट हो गया बी का, है ना, और ए और बी अगर इक्वल नहीं हो, इसका मतलब कम से कम बी में ए से एक एलिमेंट अधिक होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बी का बात करें तो देखिए, तो बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है या नहीं है, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सर ए जो है वो प्रॉपर सेट है किसका, बी का, है ना। तो ये अब हम लोग डिफिनेशन को देखिए, समझिए, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना, ए और बी दोनों क्या हो, बराबर नहीं हो, इट मींस कम से कम एक एलिमेंट बी में ए से अधिक होनी चाहिए, है ना। तब हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। जैसे हम लोग अभी देखे यहां कि सर ए का सारा एलिमेंट बी में है और ए और बी दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि ए सबसेट ऑफ बी। आगे देखते हैं, आगे देखिए यूनिवर्सल सेट, है ना, क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पे जाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम एक सेट ए लिखते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। एक सेट बी लिखते हैं जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। एक सेट सी है जिसमें एलिमेंट है 2, 4, 6। एक सेट डी है जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7। ये चार सेट है, चारों में अलग अलग एलिमेंट है। अब एक हम लोग अनदर सेट लेते हैं, एक हम लोग अनदर सेट लेते हैं, एक अनदर सेट यू ले लेते हैं। इसमें हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलें ये सेट ए, तो सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1, 2, 3। अब ये सेट ए जो है वो यू का सबसेट है क्या, 1, 2, 3 इसमें है, 1, 2, 3 है, इसका मतलब सेट ए जो है वो सबसेट है किसका, यू का। फिर हम लोग देख रहे हैं अगर सेट बी का बात करें, किसका बात करें, सेट बी का, तो सेट बी के सारे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 तक है, तो सेट बी के भी सारे एलिमेंट इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, है ना। इसका मतलब सर सेट बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अगर सी का बात करें तो सी का भी सारा एलिमेंट उसमें मिल जा रहा है 2, 4, 6, देखिए तो 2, 4 एंड 6, इट मीन्स सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। अगेन डी का बात करें
तो डी का भी सारा एलिमेंट 1, 3, 5, 7 है ना, 1, 3, 5, 7 इसमें है, तो हम लोग बोलेंगे डी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू। तो अगर हम बात करें यू के बारे में तो यू ए का भी जो है वो क्या हो गया, सुपरसेट है, बी का भी सुपरसेट है, सी का भी सुपरसेट है और डी का भी सुपरसेट है ना। तो यू जो है सबका सुपरसेट है, सभी जो यहां पे सेट है वो सबका सुपरसेट है। तो इस तरह के सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं, तो जितना सेट दिया गया है उस सारे सेट का अगर हम लोग सुपर सेट एक लिख दें तो वो सुपर सेट मेरा यहाँ क्या बन जाता है, यूनिवर्सल सेट बन जाता है। अब आप एग्जांपल समझे ना, अब डिफिनेशन पढ़िए ना क्या है, इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी सेट विच इज सब सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स। जितना भी सेट दिया हुआ है उस प्रत्येक सेट का अगर कोई सुपर सेट यहाँ पे उपलब्ध हम कर ले, कंसिडर कर ले, मान ले, सच अ सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो इस तरह के जो सेट होते हैं उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। जैसे हम लोग इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको यू से डिनोट किया जाता है, इस तरह यू से इसको डिनोट किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या है। तो अगर हम नंबर लिखें कि सर एक अनदर एग्जांपल हम लोग सोचते हैं, हम लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है जी, एन। यहां पर लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम क्या ले लेते हैं, एन। फिर हम क्या लिए कि सर सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, जेड। फिर हम क्या ले लिए, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा मेरा, क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखें कि सर नेचुरल नंबर का सेट को हम एन ले लिए हैं, वो तो लेते ही हैं, सेट ऑफ इंटीजर जेड है और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक नया सेट, इस सब के लिए हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जो ये सबका क्या बन जाए, सुपर सेट बन जाए। तो ये सबका सुपर सेट क्या बन जाएगा, अगर हम लोग रियल नंबर लिख दें, क्या बोल दें कि सर सेट ऑफ रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, आर से डिनोट करेंगे। अब हम रियल नंबर के अंदर देखें तो इस रियल नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, एन भी है, जेड भी है और क्यू भी है। तो इस एन के लिए, इस जेड के लिए और इस क्यू के लिए, ये तीनों सेट के लिए R जो होगा यहां वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना सबको। चलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग पावर सेट, क्या देखेंगे, पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट, नाम से ही पावरफुल लग रहा है ना। चलिए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्या कह रहा है कि जितना भी सारा सबसेट हो सकता है एक दिया हुआ सेट ए का, वो सारे क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे ए का। एक हम लोग पहले इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट 1, 2 और 3 है। क्या लिए, एक सेट लिए ए जिसमें तीन एलिमेंट है 1, 2 और 3। ये तीन एलिमेंट है, अगर हम इसको ऐसे लिखे अलग अलग तो हम लोग बोलेंगे ना सर वन जो है वो एक सेट बना सकता है अकेले, भले सिंगलटन सेट होगा उससे क्या दिक्कत, टू भी एक सेट बना सकता है, थ्री अकेले एक सेट बना सकता है,
1 2 एक सेट बना सकता है, 1 3 एक सेट बना सकता है, 2 3 एक सेट बना सकता है, 1 2 3 एक सेट हो सकता है। अब देखिए टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ऐसा सेट जो सबका सबसेट होता है, बताइए नल सेट क्या होता है। नल सेट यानी कि फाई, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, हमेशा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि एम्प्टी सेट जो है वो सभी सेट का सबसेट होता है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या देखें कि सर इस ए का जितना सबसेट हो सकता है, पॉसिबल सबसेट, तो इस ए का पॉसिबल सबसेट कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सभी जो सब मतलब सेट है वो सब इसके अंदर से ही है। इसका मतलब इस सभी सेट को अलग अलग हम लिखें तो वो इस ए का सबसेट हो जाएगा। तो डिफिनेशन क्या कहता है कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए, है ना। तो एक दिया हुआ सेट ए का जितना सबसेट है वो सारे सबसेट, उस सारे सबसेट को क्या कहा जाता है, पावर सेट कहा जाता है ए का। हम लोग पावर सेट निकालते कैसे हैं वो सीख लेते हैं। जैसे हम यहां पे बोले क्या कि अगर यहां पे 3 है तो हम लोग निकाल दिए कितना, 8। आखिर ये निकलता कैसे वो भी जान लेते हैं। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट किया जाता है पी ए से। किससे डिनोट किया जाता है, पी ए, पावर सेट ऑफ ए। अब देखिए यदि हमको एन ए निकालना है ना, क्या एन ए पता है, एन ए पता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। मान लेते हैं एन ए मेरा कितना है, एम है। एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू एम अगर है, तो उसका अगर हमको पावर सेट निकालना है तो नंबर ऑफ पावर सेट इन ए इज इक्वल टू 2 to the power m हो जाता है। इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा कि सर नंबर ऑफ पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो किसी सेट में मान लेते हैं जितना एलिमेंट है वो 2 का क्या बन जाता है, पावर में आ जाता है, और वो पावर सेट उसका निकल जाता है, नंबर ऑफ पावर सेट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हम लिए क्या कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इसका मतलब एन ए इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 3। अब हम लोग को निकालना है एन पी ए, क्या निकालना है, एन पी ए, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 to the power एन ए को रख देना, एन ए कितना है, 3 रख देना है। तो जैसे हम लोग 2 के ऊपर 3 को रखते हैं तो क्या निकल जाएगा, 8। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका, यानी कि 8 सबसेट्स होंगे। पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, 8 होंगे। जैसे हम यहां पे निकाले भी हैं, पहले हम लोग 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 1 2 3 है। तो ये टोटल पहले 7 निकला, और हम अभी बताएं कि 5 जो होता है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो इसको इंक्लूड करने के बाद कितना हो गया, 8। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना निकला जी, 8 निकला। तो जितना नंबर ऑफ सबसेट निकला ना, वही क्या कहला है, इसका पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, कि ए जो है उसका पावर सेट कितना है, तो 8 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 हो जाएगा।
चलिए बहुत अच्छा। अगर ऐसे ही अगर आपको अन्य कोई क्वेश्चन दे दे निकालने के लिए, मान लेते हैं एक सेट बी है ना, और उस बी में जो है कितने एलिमेंट है, तो चार एलिमेंट ए बी सी और डी है। तो इसका अगर हम लोग को बोले नंबर ऑफ पावर सेट निकालना है, तो नंबर ऑफ पावर सेट निकालने के लिए पहले हम लोग देखेंगे एन बी कितना है। तो एन बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 1 2 3 4 है। इसका मतलब एन ऑफ पी ए नंबर ऑफ पावर, एन ऑफ पी बी नंबर ऑफ पावर सेट इन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power 4। फॉर्मूला में क्या